तो आज मेरे पास है ये पिल्सबेरी का पैनकेक मिक्स, और ये चॉकलेट फ्लेवर का है, और इसका वेट है 61 ग्राम एंड ये 49 रुपीज़ का है। तो इससे आज हम पैनकेक नहीं बनाएंगे, पैनकेक जैसा कुछ बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बाउल, और बाउल के अंदर ये पैनकेक मिक्स मैंने डाल दिया है पूरा पैकेट। अब हमें चाहिए हाफ कप मिल्क, और इसको एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका बैटर रेडी कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर लम्स नहीं रहे और हमारा बैटर एकदम मस्त स्मूथ रेडी हो जाए। बैटर अच्छा होगा तो पैनकेक भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप में थोड़ा सा ही दूध बाकी रहा है और सारा हमने यूज़ कर लिया, और देखो हमारा ये मस्त एकदम स्मूथ बैटर बन के रेडी हो चुका है। ये बैटर से हम पैनकेक भी बना सकते हैं और वॉफ़ल भी। तो आज मैं बनाऊंगी वॉफ़ल, क्योंकि मेरे बच्चों को वॉफ़ल ज़्यादा पसंद है, तो हम बनाएंगे वॉफ़ल। और वॉफ़ल बनाने के लिए मेरे पास है ये मिनी वॉफ़ल मेकर, तो उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड्स मैंने लगा दिया है थोड़ा सा बटर, और ये 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया उसके अंदर ये बैटर, और ये हमारा वॉफ़ल बन के रेडी हो चुका है एकदम मस्त सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। तो ऐसे मैंने 2-3 वॉफ़ल और बना दिए, और अब इसको हम ऐसे ही नहीं खाएंगे, इसको थोड़ा और टेस्टी बनाएंगे। तो ये वॉफ़ल को मैंने रख दिया है एक प्लेट के अंदर, और उसके ऊपर मैंने डाला है ये मेल्टेड चॉकलेट। अब इसके ऊपर एक और वॉफ़ल रखेंगे और उसको भी मेल्टेड चॉकलेट से कवर कर देंगे, और ये लास्ट वाला वॉफ़ल भी रख के उसको भी ऐसे कवर कर देना है चॉकलेट से। अब ये वॉफ़ल अच्छे से कवर हो चुका है मेल्टेड चॉकलेट से, तो उसके ऊपर हम रखेंगे एक वनीला आइसक्रीम का स्कूप, आप कोई भी आइसक्रीम ले सकते हो। और लास्ट में इसके ऊपर मैंने डाला है ये होममेड स्प्रिंकल्स, इसका भी वीडियो मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हो। और ये देखो इतना कलरफुल स्प्रिंकल्स डालने के बाद उसका लुक भी कितना मस्त आया है, और लास्ट में थोड़ा सा मैंने ये चॉकलेट से उसको गार्निश कर दिया है, और ज़्यादा टेस्टी लगे इसीलिए। तो देखो ये मेरा वॉफल बन के रेडी हो चुका है, और देखने में तो बहुत ही मस्त लग रहा है। तो अब इसको टेस्ट करेगा रुद्र, और देखते हैं रुद्र को ये कैसा लगता है। उसको तो पसंद आएगा क्योंकि ये वॉफल भी चॉकलेटी है, और उसके ऊपर इतनी सारी जो मैंने चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट डाली है, तो उसकी वजह से उसको तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। ओके बाय।